हाय माय लवली डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स और मैं हूँ प्रेरणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी, जिससे कि आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड घने एंड यू नो शाइनी एंड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बालों की, सारी सॉल्व हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं। नीचे जो रेड कलर का एक छोटा सा आपको बॉक्स दिख रहा है, प्लीज़ उस पर क्लिक करिए एंड देन वो जो पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करिए, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा DIY, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे, अपने बालों में लगाएंगे, तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। वो काले हो जाएंगे, वो घने हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी बढ़ भी जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे बालों की ग्रोथ इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ये जो मेरी रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी, इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं हर हफ्ते इसको लगाती हूँ अपने बालों में, जिससे कि मेरे बाल अभी काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी एंड यू नो बहुत वीक थे मेरे बाल, बहुत जल्दी जल्दी टूटते थे। तो मैंने इस रेसिपी को जब से ट्राई किया है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिला है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में शेयर कर दिया जाए, जैसे कि आपके बाल भी जल्दी से इतने लॉन्ग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस DIY के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल लिया हुआ है, आप चाहें तो प्योर प्लांट में से निकाल के भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए हनी, तो यहाँ पर मैंने ये पतंजलि का हनी लिया हुआ है। देन थर्ड चीज़ चाहिए आपको मिल्क, तो मैंने यहाँ पर एक मिल्क लिया हुआ है एक बोल में, आप भी ले सकते हैं रॉ मिल्क। और देन आपको चाहिए कैस्टर ऑयल, तो ये इस कैस्टर ऑयल इस तरीके से मिल जाएगा आपको किसी भी शॉप पर या फिर मेडिकल शॉप से आप ले लें। बहुत ही कॉमन चीज़ है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, करीब आपको ये 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा मेडिकल शॉप में। तो ये चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस DIY को। तो अब आप भी एक एम्प्टी बोल ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डालना है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क डाल रही हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद में आपको लेना है कैस्टर ऑयल, तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। कुछ इतना कैस्टर ऑयल डाल लीजिए। देन आपको डालना है इसमें एलोवेरा जेल, तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ 3 टेबलस्पून आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। 3 टेबलस्पून आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा जेल डालने के बाद आपको इसमें डालना है हनी। तो 1 टेबलस्पून आपको इसमें हनी डाल लेना है। देन फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अपने आप इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब मिक्स हो गया है। तो इस मिक्सचर को आपको करीब 1 घंटे तक अपने पूरे हेयर लेंथ में लगाना है। आप जड़ों से लेके पूरे रूट से लेके टिप तक इसको लगा सकते हैं। और 1 घंटे लगाने के बाद आपको माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और आप बिल्कुल ही देखेंगे कि अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं, तो आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाने वाले हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता लगे कि इस DIY के बारे में कि कितना अच्छा एक DIY है, जो कि आप घर पे बैठे बैठे आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो येस गाइज, मेरे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ये टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।